नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करें। जब भी आप ट्रेडिंग करें, चाहे आपकी ट्रेडिंग बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो भी दोस्तों आपको कई बार ये कन्फ्यूजन होती है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो ज़्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं, या फिर कौन से स्टॉक है जो ज़्यादा तेजी से गिर सकते हैं, या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है, इतने सारे स्टॉक्स हमारे पास होते हैं तो इतनी कन्फ्यूजन हमारे पास हो जाती है हमारे साथ कि भैया कौन से ऐसे स्टॉक है जिसको मैं खरीदूँ, या फिर कौन से ऐसे स्टॉक है जिसको मैं बेचूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो भी कई बार आप लेट हो जाते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि आज के दिन ही इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत इजी है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, बट इस वीडियो को पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा दोस्तों, जब भी आप मार्केट में देखते हैं कि आज मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आपको जाना है मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल पे अगर आप जाएंगे तो मनी कंट्रोल में आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है टॉप गेनर और टॉप लूजर। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर, तो टॉप गेनर और टॉप लूजर आपको यहाँ पे बता देंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आज के दिन में टॉप गेनर हैं, जो परसेंटेज वाइज ज्यादा बड़े हुए हैं, और टॉप लूजर में बता देंगे कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो परसेंटेज वाइज ज्यादा गिरे हुए हैं। तो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम आज का टॉप गेनर देखते हैं, तो टॉप गेनर क्या है, इंडसइंड बैंक है, SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, और UPL है। ये पांच स्टॉक, ये छह स्टॉक क्या है, ये ज्यादा बड़े हुए हैं। और चाहे तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे सी ऑल टॉप गेनर्स देखने, पहले आपको मार्केट देखना, मार्केट क्या है, मार्केट पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सारे स्टॉक्स चेक करने हैं कि कौन से स्टॉक है जो ज्यादा बड़े हुए हैं। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइट पे। अब यहां पे क्या करना है वो आपको देखना है। आपने देखा कि SBI बड़ा हुआ, ICICI बैंक, HDFC बैंक, UPL, एक्सिस बैंक, आयुषर मोटर, टाटा मोटर, ये सारे स्टॉक्स बड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि बैंकिंग स्टॉक क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, आज पूरी तरीके से बुलिश है। अब आपका काम क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको जाना है सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे देखना है। अब चार्ट पे आप क्या देखेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा कि पहला कौन सा स्टॉक ज्यादा तेज है, वो है SBI। तो SBI का चार्ट आपने यहां पे चेक करा। देखिए मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, उसको आप इंप्लीमेंटेशन करके देखना, देखना आपका रिजल्ट कितना जबरदस्त आता है। तो यहाँ पे आपको अवर्ली चार्ट लगाना है। इसमें जब भी कोई प्रैक्टिस होगी वो होगी सिर्फ अवर्ली चार्ट पे। तो अवर्ली चार्ट पे आपको चेक करना है। आपने देखा कि भैया यहाँ पे मैंने देखा कि SBI में यहाँ पे मुझे क्या तेजी ज्यादा दिखाई है, यानी कि ये टॉप गेनर में है, पर टॉप गेनर में होने के बावजूद यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से अवॉइड कर देंगे। दूसरा यहाँ पे देखते हैं ICICI बैंक। तो ICICI बैंक का चार्ट भी आप देखेंगे। और एक चीज और है दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपको सिर्फ अवर्ली का चार्ट ही चेक करना है, बट इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। ऐसा नहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता और टॉप गेनर और टॉप लूजर को देख के आप अपना ट्रेड बनाए। तो यहाँ पे पहले आपको देखना है कि मार्केट क्या है, बुलिश है, और मार्केट जब बुलिश होती है तो वहां पे आपको टॉप गेनर चेक करने हैं। अब टॉप गेनर जब भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आप हर तरीके के टाइम फ्रेम्स लगाएंगे, जैसे डेली, जैसे ओवरली आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बट आपने देखा कि यहाँ पे भी आपको कुछ खास दिखाई नहीं दिया, कोई पैटर्न खास दिखाई नहीं दिया, तो ये इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे HDFC बैंक है, HDFC बैंक में जाएंगे यहाँ पे, तो HDFC बैंक में भी आपको कुछ खास दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट दिखाई दिया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि HDFC बैंक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई दिया है, जब इसका रेट चल रहा था 1429 का, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस के बाद आपने देखा कि यहाँ पे किसी तरीके के डाइवर्जेंस नहीं थे, बल्कि कन्वर्जेंस थे, तो एक बहुत अच्छा लेवल था इसको बाय करने का, और उसके बाद ये 1440 रुपए का रेट इसने दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है? अब देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं, बट आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि HDFC बैंक में ये रेजिस्टेंस बना था। तो यहाँ पे आपने क्या करा, मनी कंट्रोल की साइट पे जाके आपने टॉप गेनर के हिसाब से आपने यहाँ पे बाइंग बनाई। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक्स में आपको बाइंग ही दिखेगी, कुछ स्टॉक्स में आपको सेलिंग भी दिख सकती है। इसी तरीके से आगे हम चेक करेंगे तो UPL दिखा हमें। अब UPL पे जाएंगे, UPL के चार्ट पे, तो UPL के चार्ट पे हम चेक करेंगे कि UPL के चार्ट में
आज मैंने इसमें सेलिंग रिकमेंड भी करी थी। रीजन क्या था इसका, रीजन यही था कि ये ज्यादा बड़ा हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन आ गई थी। तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस में हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये एरिया कंसोलिडेट हो गया था। तो यहाँ पे जो UPL है हमने देखा कि टॉप गेनर में है, एक स्टॉक जो बाइंग दिखा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, बट वहां पे दूसरा स्टॉक हमें सेलिंग भी दिखा रहा था। तो यहाँ पे जो UPL है 772.50 के नीचे सेल था और इसमें जो SL बनता था वो 785 के आसपास का इसमें SL बनता था, और अभी इसमें टारगेट नहीं आया, बट मुझे लग रहा है कि कल के दिन ये क्या है 755 का लेवल दिखा सकता है। बट आपको कल खुलते ही बाजार में सेल नहीं करना, आपको पहले मार्केट देखना है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो आप इसमें पोजिशन शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। अब ये दो स्टॉक आपने कैसे निकाले, आपने क्या करा, टॉप गेनर आपने चेक करें जब मार्केट बुलिश थी। अब यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से और भी स्टॉक जैसे आइशर मोटर, टाटा मोटर आपने देखे। अब आइशर मोटर हमने देखा, आइशर मोटर में हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दिया है। अब यहाँ पे इसको ना समझना पड़ेगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइशर मोटर में आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस है, जो रजिस्टेंस हमें HDFC बैंक में देखने को मिला था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि HDFC बैंक में यहाँ पे मुरुबुसु कैंडल बनी थी, बट यहाँ पे कैंडल कौन सी है, यहाँ पे डोजी कैंडल है। तो यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल है ये क्या है, ये रिवर्सल का साइन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर आप इसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे हमने देखा डोजी है। अब डोजी के बाद अगर आपको कल के दिन फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट कैंडल जो आपको बेरिश मिलती है तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, आप सेल कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का फेलियर होगा। कई बार हम कहते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट, जो हमें पहले निफ्टी में देखने को मिला था, जहां से 15,000 से निफ्टी 14,000 रुपए आ गई थी, 14,400 रुपए का इसने रेट दिखा दिया था। तो वही चीज हमें किसमें मिल सकता है, आइशर मोटर में। अब आपको कैसे पता चलेगा, इतने सारे स्टॉक्स हैं उसके लिए आपको वही टॉप गेनर चेक करना है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे टाटा मोटर में जाएंगे तो टाटा मोटर में भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर में कोई खास पैटर्न दिखाई नहीं दिया, तो इसको हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। अब हमने क्या करा, 5-6 स्टॉक चेक करे और हमें 2-3 स्टॉक्स मिल गए जिसमें हम ट्रेड बना सकते हैं, और इसी तरीके से सारे स्टॉक्स यहाँ पे हम लगा लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे बर्जर पेंट भी दिखा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बर्जर पेंट में यहाँ पे अगर हम अवर्ली चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, शूटिंग स्टार मिला है। तो शूटिंग स्टार बर्जर पेंट में मिला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शूटिंग स्टार इन बर्जर पेंट। और ये क्या है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन मार्केट में यानी कि बर्जर पेंट वीक है, तो आप कल के दिन में बर्जर पेंट में अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। बट कहना चाहूंगा हमारा चैनल जो है वो एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक पे कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड करे जिसमें आप अपनी पोजीशन बाय सेल में बना सकते हैं, आप टॉप गेनर टॉप लूजर की हेल्प से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक जाते हैं और यहाँ पे फिर चेक करते हैं टॉप लूजर। पर टॉप लूजर अभी चेक नहीं करने, टॉप लूजर हमें कब चेक करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब मार्केट क्या है, जब बेरिश है। क्योंकि उसमें दो चांसेस होते हैं, या तो क्या होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या फिर क्या है कि वहां से सपोर्ट ब्रेक करके और भी नीचे जा सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपना ट्रेड जल्दी बनाना है, यानी कि आप हाई पे बेचना चाहते हैं और सपोर्ट के नीचे बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या करेंगे, बढ़ते बाजार में टॉप गेनर चेक करिए और गिरते बाजार में टॉप लूजर चेक करिए। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ते बाजार में भी आप टॉप लूजर चेक कर सकते हैं, बट क्या होता है जब टॉप लूजर होते हैं ना वो कई बार रिवर्स हो जाते हैं। जैसे आज टाटा स्टील था, टाटा स्टील का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या था, बढ़ते बाजार में जब बाजार आज बुलिश था तो ये दिखा रहा था, ये टॉप लूजर में दिखा रहा था, और उसके बाद में इसमें एक रिवर्सल देखने को मिला। जब मार्केट बुलिश है तो टॉप लूजर वहां से अपना ट्रेंड रिवर्स भी कर सकते हैं, बट जब मार्केट बुलिश है तो जो टॉप गेनर है वो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके वहां से मार्केट रिवर्स होने के, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर वहां से एक नया हाई लगाने के। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद मेरी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल डिटेल एनालिसिस समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल डेप्थ में आपको समझा रहा हूँ, बट उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अभी मेरे सामने टाटा स्टील का चार्ट है, तो टाटा स्टील के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि टाटा स्टील में यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी है, और इसमें 1230 के SL से भी टाटा स्टील डेली के चार्ट में वीक है। तो अभी क्या है, जो भी पैटर्न देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर पैटर्न वो वीकली डेली चार्ट में देखने को मिल रहे हैं।
तो आशा करता हूं कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं और बहुत ही जल्दी कैसे करते हैं वो आपको पता लग गया है, बट उसके लिए आपको फिर से कहना चाहूंगा टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब मैं यहां पे थोड़ी सी निफ्टी के एनालिसिस आपको बता देता हूं कि निफ्टी में भी फिलहाल क्या लग रहा है। आज निफ्टी में बहुत बड़ी एक तेजी देखने को मिली, 250 पॉइंट निफ्टी प्लस हो गया। और यहां पे अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं तो निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहां पे देखेंगे कि आज गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर सीधा मार्केट क्या था आज बुलिश ही रहा, 14,923 की इसने क्या है यहाँ पे आज क्लोजिंग दिखा दी है। अब क्या यहाँ से मार्केट तेजी पकड़ेगा, क्योंकि आज देखेंगे बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा बुलिश था, तो क्या यहाँ से बाजार 14,900 के ऊपर लोग कह रहे हैं कि 15,200-15,300 जाएगा, 16,000 जाएगा या यहाँ से रिवर्स होगा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। बट जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो थोड़ा पोजिशनल है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे SGX का चार्ट आपके सामने दिखा देता हूँ कि SGX का चार्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दिखाने को ये निफ्टी स्पॉट भी मैं आपको दिखा सकता था, बट मैं कुछ और चीजें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट ना अभी देखो एक चीज बता देता हूँ, कई लोग जो है ना जो सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत तेज हो जाएगा, अभी कुछ दिन बाद मार्केट दिखा देगा एक्चुअल में मार्केट एक्चुअल में कहाँ पे डिजर्व करता है, वो कुछ दिन का वेट कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना अभी वीकली चार्ट इसका लगा देता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे तो वैसे निफ्टी में भी जो स्पॉट निफ्टी में भी सेलिंग का पैटर्न बना हुआ है और उसमें उसके हिसाब से 13,700 और मंथली चार्ट में 12,000 का टारगेट लग रहा है मुझे, 12,500 के आसपास का टारगेट लग रहा है। अब आप बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, 12,000 की बातें कर रहे हो यार, हमें लग रहा है मार्केट यहाँ से 15,000-16,000 रुपये जाएगा, अब 12,000 की बातें कर लेते हो हम पुट्ठे खरीद लेते हैं मार्केट रिवर्स हो जाता है हमें नुकसान हो जाता है, ऐसा हो रहा ऐसा लग रहा होगा आपको। बट मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही बाजार गिर जाएगा, टाइम लगेगा और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 15,100 के आसपास का लेवल भी दिखा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। बट देखिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे तो आप पोजीशन बना सकते हैं बट स्टॉप लॉस लेके जरूर चलिएगा। तो यहाँ पे ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर समझ में आता तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और मैं कह रहा हूँ ये एनालिसिस बहुत ही अल्टीमेट है, ये मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में भी समझाया हुआ है, बट मैं आपको थोड़ी सी इसकी झलक आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन कोर्स में, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें डिटेल में हमने ये चीज समझाई है बस। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट तेज था, यहाँ से ये MACD के हिसाब से तेज था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दी और यहां से रिवर्स हुआ है, बट ये यहां से अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा बता देता हूं। देखिए मार्केट यहां से इसने तेजी पकड़ी तो यहां से ऊपर गया, यहां से मार्केट में करेक्शन नहीं, यहां से मार्केट में करेक्शन नहीं, इसके बाद रिवर्स हुआ, बट ये रिवर्स अभी तक नहीं हुआ, इसको ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, ये अभी भी नीचे जा रहा है, फ्लो अभी भी नेगेटिव है, फ्लो अभी भी मार्केट का नेगेटिव है। बट कई बार क्या होता है कि मैं भी इसको डाइवर्जेंस नहीं कह रहा, डाइवर्जेंस तब कहता जब मार्केट अपना नया हाई बनाता तो मैं कह सकता था कि मार्केट में वहां से गिरावट आ सकती है। बट फिर भी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे जो सेलिंग की कंफर्मेशन थी जो 14,100 के आसपास थी, अभी 14,900 चल रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि कभी भी एक 14,100 के आसपास का तो रेट बहुत ही जल्दी दिखना चाहिए, फिलहाल तो दिखना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, कुछ मेरे को पढ़ाते हुए हो गए हैं 11 साल और इसके साथ साथ 12-13 साल से मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है चार्ट में वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि आप इस बात पे अमल करके आगे के लिए अपने ट्रेड अच्छे बना सकते हैं, बट फिर से कहना चाहूँगा कि जो डिटेल में हमने ये चीज़ समझाई है वो अपने ऑनलाइन कोर्स में समझाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, यूज़र आईडी क्रिएट कर लीजिएगा लॉगिन पे जाके, वहाँ पे आईडी और पासवर्ड आएगा, मतलब यानी कि आईडी और पासवर्ड आप वहाँ पे अपना क्रिएट एन अकाउंट पे जाके यूज़र आईडी क्रिएट करके आपके पास ओटीपी आएगा, वहाँ से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो कि मात्र सिर्फ 8,000 रुपये का है वो आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, चाहे तो आप हमारा ऑप्शन का कोर्स ही परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो दोनों का कॉम्बो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक में चार्ट पैटर्न इंडिकेटर डॉ थ्योरी एलिट वेव थ्योरी टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। यहाँ पे कहना चाहूँगा हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपको मिलता है, पर्सनल टेलीग्राम चैनल ये देखिएगा,
यहाँ पे ही हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, तो ये पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपको मिलता है और इसमें हम डेली बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशन भी देते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि आपको हर संडे का वेबिनार मिलेगा। संडे का वेबिनार में हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे आपके जो भी डाउट रहते हैं, यानी कि संडे को वेबिनार होता है और नेक्स्ट वीक की हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीक में आप किस तरीके से ट्रेड बना के पैसा बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, वो बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मेरे से बात करके, मुझे कॉल करके अपने क्वेरीज भी आप रिजोल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि नीचे दो ब्रोकर के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, एक चॉइस है और दूसरा एंजल ब्रोकिंग है, और यकीन मानिए इन दोनों की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार इन ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराइएगा, एक बार एटलीस्ट ट्राई करिए, क्योंकि आपका जहाँ भी डीमैट अकाउंट होता होगा, आपका कहीं पे भी डीमैट अकाउंट होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे पक्का पता है कि आप सर्विसेज से खुश नहीं होंगे। तो यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग एक ऐसा ऑप्शन आपको देता है जिसकी सर्विसेज बहुत ही अल्टीमेट है, और कहना चाहूँगा दोस्तों ये आपको 20 रुपये पर ट्रेड से भी सस्ता पड़ता है। एक बार ना इस ब्रोकर के पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, एक बार ट्राई जरूर करिए, और अगर आपके कहीं और भी अकाउंट है डीमैट अकाउंट, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक आईडी से कितने भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथ साथ हमारा एंजल ब्रोकिंग का भी डीमैट अकाउंट है, अगर आप चाहें तो डिस्काउंट ब्रोकर चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और कहना चाहूँगा अगर आप हमारे दिए गए लिंक से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।